नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप मुझे भारत लाइव पे देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, यूँ कहें तो कुछ दिनों में आचार संहिता भी लग जाएगी। हालांकि कोरोना संक्रमण लगातार जारी है और आपको बता दें कि इस बीच जो है विधायकों का इधर से उधर जाने का जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। चूँकि आपने देखा कि इससे पहले भी 5 MLC RJD के जो कि JDU का दामन थाम लिया, उसके बाद अगर बात करें तो कल जिस तरीके से RJD के 3 विधायक जो कि बड़े विधायकों में उनका भी नाम आता था, प्रेमा चौधरी की बात की जाए और भी उनके साथ 2-3 लोग थे जो काफ़ी लंबे समय से RJD से जुड़े हुए थे, उन्होंने JDU का दामन थाम लिया। तो यूँ कहा जाए तो हर कोई अपने 5 साल जो उनका भविष्य है वो फिक्स करने में जुड़े हुए हैं, उसको बचाने में लगे हुए हैं। किसी का टिकट कट रहा है तो इधर भाग रहे हैं, अपनी मौके की तलाश में लगे हुए हैं। इस बीच बता दें कि अगर बिहार की राजनीति की बात की जाए, अगर आप बिहार से बाहर हैं या देश अदर दूसरे कंट्री में रहते हों, अगर बिहार की बात की जाती है तो बिहार के राजनीतिक में लालू प्रसाद यादव का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। बिहार यानी लालू प्रसाद यादव, बिहार की राजनीति में कुछ इस तरह की तस्वीरें बनती हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लालू प्रसाद, चूँकि वो तो सजायाफ्त है, हालांकि तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटल में भी हैं, लेकिन बिहार की राजनीतिक में एक्टिव मूड में नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं ट्विटर के जरिए लगातार अपनी बातों को, जन की समस्याओं हो, सरकार को घेरने का काम हो, लगातार अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से करते आ रहे हैं। और आपको बता दें कि एक बार लालू प्रसाद यादव ने आज फिर सुबह सवेरे एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, ट्वीट के जरिए उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि नीतीश को खुद नहीं मालूम कहाँ कहाँ और कब कब और कैसे किस लिए पलटियाँ मारते हैं। उसके साथ ही उन्होंने एक कार्टून भी बनाकर उस पर पोस्ट किया है। उस कार्टून में आपको दिखाना चाहूँगा, स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, कि मिट्टी में मिल जाऊँगा, भाजपा में नहीं जाऊँगा। ये बात उन्होंने तब कही थी जब 2015 में महागठबंधन नीतीश कुमार और RJD दोनों एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े थे। अरे कितनी बार मिट्टी में मिल जाओगे बे, अपनी अंतरात्मा और दीने नहीं जानते क्या, पलटू कहीं का। और दूसरी तरफ सुशील कुमार मोदी ठोको ताली ठोको की बात कर रहे हैं, जो तस्वीरें में दिखाई आपको सामने दे रहा होगा। हालांकि कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे श्याम रजक के साथ, जो कि अभी उन्होंने उनका कहा जाए तो घर वापसी हुआ है, जो काफ़ी लंबे समय से पहले भी RJD में रह चुके हैं, उसके बाद JDU में गया, फिर इस बार जो है 2020 में उन्होंने पाला बदल लिया है, चूँकि मंत्री भी थे और सब चीज़ों से त्याग कर उन्होंने फिर से एक बार RJD का दामन थाम लिया है। कहा जा रहा है कि श्याम रजक का घर वापसी है, उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की उस बयान को याद दिलाया जिस वक्त उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन BJP के साथ नहीं जाऊंगा, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसका वीडियो हम जनता तक जरूर पहुँचाएंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, तमाम तरह के, ताकि ये बातें जनता को याद आए कि जो नीतीश कुमार 2015 में कभी NDA के साथ BJP के साथ नहीं जाने की बात कर रहे थे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन BJP के साथ नहीं हाथ मिलाएंगे की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार BJP के साथ हैं। अलग उन्हें पलटू राम भी कहा, इसके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो JDU के मंत्री थे श्याम रजक, उनको पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। तो फिलहाल कितना है, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।